आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन 24/7 कभी भी कहीं भी। ट्यून ऑन रेडियो धड़कन। जी हाँ, और तो खुश हो जाइए, तालियां बजाइए आज के खूबसूरत कार्यक्रम के लिए जिसका नाम है महफिले गजल। जी हाँ, लोग कहते हैं अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, दिल किसी और का ना हो पाया, दिल किसी और का ना हो पाया, आज भी मेरी जिंदगी तुम हो। मुझको अपना शरीक है गम कर लो, मुझको अपना शरीक है गम कर लो, यूं अकेले बहुत दुखी हो तुम। लेकिन हमारे साथी कभी भी दुखी नहीं होते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, जब जब आप सभी साथी यानी कि हमारे रेडियो धड़कन के साथी हमेशा ही जब रेडियो धड़कन के कार्यक्रम सुनते हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, तो बस खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सुनते हैं आज का बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है महफिले गजल, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट आरजे ललित कुमार। तो चलिए सुनवाते हैं एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल। उस गजल को सुनना चाहते हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम शेख, नजमा बेगम नाज, और आप हैं एटा रोड गंज ढूंढवारा उत्तर प्रदेश से। एक एल्बम है बहुत ही प्यारी जिसका नाम है सुराही गजल, को गाया है विशाल गोस्वामी। शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन खूबसूरत गजल के साथ। याद तेरी दिलाते रहे दूर तक, याद तेरी दिलाते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। मुझको आवाज दे के बुलाते रहे, मुझको आवाज दे के बुलाते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। पहचान दिल की लगन बन गई, एक पहचान दिल की लगन बन गई, एक नजर उम्र भर की जलन बन गई। मैं जहां भी गया दूर तक याद तेरी दिलाते रहे अजनबी शहर के अजनबी रास्ते। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत ये गजल थी। ऐसे ही हमारे एक और साथी हैं जो बहुत ही प्यारी गजल लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं अपना दिल तो ना मिला किसी से तेरे सिवा, अपना दिल तो ना मिला किसी से तेरे सिवा, यूं तो हम मिलने को एक जमाने से मिले हैं। मुझको तस्लीम है कि मिलता है जमाना मुझसे, मुझको तस्लीम है कि मिलता है जमाना मुझसे, बात तो जब है कि अपना दिल भी किसी से मिले। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। तो ऐसे ही हमारी एक और गजल आपको नजर कर रहे हैं, वो है माल्यान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, बेबी आव्या और अंशिका जैन। तो लीजिए सुनते हैं इनकी पसंद की बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल। हर तमन्ना कुचल गया कोई, सारा मौसम बदल गया कोई, हर तमन्ना कुचल गया कोई, सारा मौसम बदल गया कोई, अब हमेशा उदास रहना है जिंदगी से निकल गया कोई।
हम छुप छुप कर मिलते थे कभी हम छुप छुप कर बचपन का जमाना याद करो क्यों भूल गए दिल तोड़ के तुम वो दौर पुराना याद करो। वाकई बहुत ही दर्द भरी ये गजल है। एक शेर जो मुझे याद आ रहा है वो है कि कभी आईने में करना तेरी वापसी की बातें, कभी आईने में करना तेरी वापसी की बातें, कभी कमरा बंद करके तेरे खत शुमार करना, हमें रास नहीं आया तेरा एतबार करना, हर रोज सजना सवरना तेरा इंतजार करना, जो ना थी तेरे रास्ते में वापसी की सिमतें यानी कि उम्मीद, तो क्यों कहकर गए थे मेरा इंतजार करना। चलिए बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल की ओर। इस गजल को सुनना चाहते हैं वो है हमारे गणेश प्रसाद हुजदार नेपाल से। वो कहते हैं कि तेरे वादे पे जाने जाना, तेरे वादे पे जाने जाना झूठ जाना, खुशी से मर जाते अगर एतबार होता। जी हाँ, ऐसे ही बहुत ही सुंदर जज्बातों को बयां करती एक और खूबसूरत गजल बेवफाई से लबरेज, शिकायतों का भंडार लिए अपनी खूबसूरत शब्दों में और गजलों में। करार न हो खुदा करे कि किसी को किसी से प्यार न हो, वो जान क्या जो तेरी बेरुखी पे हो न फिदा, वो दिल ही क्या जो तेरे हुस्न पे निसार न हो। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है। तू बहुत खूबसूरत है लेकिन, तू बहुत खूबसूरत है लेकिन, दिल लगाने के काबिल नहीं है, दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं और वो कहते हैं कि रोज सितारों की नुमाइश में, रोज सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है। रोज सितारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरों में निकल पड़ता है, उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चल, उनकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चल, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। टूटा और ये कह रहे हैं हमारे लच्छनपुर छत्तीसगढ़ जिला
बालौद बाजार से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मे शिवम सतीश, मुकेश रश्मि, गीता और श्रुति साहू। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला, मेरी आवारगी ने मुझको आवारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। और इसी सुंदर खूबसूरत गुलाम अली साहब की बेहतरीन मखमली आवाज में सुनना चाहते थे सनावद मध्य प्रदेश से किशोर कुमार सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना और बिटिया चारुवी सांवले। मेरे मालिक मेरा दिल क्यों तड़पता है, सुलगता है जोर चलता है, किसी को गुल किसी को तूने अंगारा बना डाला, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। जी हाँ दोस्तों, शहर की रात और मैं, शहर की रात और मैं नाशाद ओ नाकारा फिरूं, शहर की रात और मैं नाशाद ओ नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पर आवारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए दहशत दिल, ए वहशत दिल क्या करूं। बस हम तो यही कहेंगे कि आओ आओ तुम भी, आओ तुम भी पास आओ, रोशनी में नहला दें जिसको छू लिया हमने, आईना बना डाला, तेरी आवारगी ने मुझको दीवाना बना डाला। वाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत ये गजल। बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल की ओर। इस सुंदर खूबसूरत गजल को सुनना चाहते हैं जीएमडी मुन्ना साहिब। सुंदर गजल और मुन्नी बेगम द्वारा खूबसूरत गाई हुई सुनवा रहे हैं आपको आपके अपने प्यारे जीएमडी मुन्ना साहिब कुवैत से, जो रहने वाले हैं उड़ीसा से।
उनका हुस्न भी मजबूरी, चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। जी हाँ दोस्तों, इश्क में कैसी मजबूरी। जी हाँ, इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी मजबूरियां हो जाती हैं, लेकिन हाँ, जो इंसान इश्क करता है तो उसमें किस बात की मजबूरी। मेरे ख्याल से मजबूरियां होनी भी नहीं चाहिए, इश्क की बात कुछ अलग होती है। होती है या नहीं होती है, तो तभी तो कहा है, उन गली कूचों हवा दीवारों दर को चूम लूं, हर हवा दीवारों को चूम लूं, शहर में वो शख्स हो तो शहर को चूम लूं। कितना अच्छा लगता है कि उनके आने से एहसास भर से अपने प्यार को महसूस करके, अगर वो शहर में वो शख्स हो तो पूरे शहर को चूम लेंगे। प्यार की पराकाष्ठा बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत, लेकिन उनका क्या करें जो उन्हें भुला दें, अपने दिल से हटा दें। तो तभी तो कहते हैं कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात कुछ और है, मैंने तो मोहब्बत की है। सुनते हैं ये बेहतरीन खूबसूरत गजल, और सुंदर खूबसूरत गजल को सुनना चाहते हैं। शिवनगर पोफाली, तहसील उमरखेड़, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से गजनन सरकाले, स्नेहल सरकाले, प्रथमेश, प्रतीक और कुमारी गायत्री सरकाले। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। सुनते हैं इनकी पसंद की बहुत ही सुंदर खूबसूरत गजल। भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तुम मोहब्बत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। मेरे दिल की, मेरे जज्बात की कीमत क्या है, उलझे उलझे पे ख्यालात की कीमत क्या है, मैंने क्यों प्यार किया, तुमने ना क्यों प्यार किया, इन परेशान सवालात की कीमत क्या है, तुम जो ये भी ना बताओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तुम्हारत की है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको। सिर्फ मोहब्बत नहीं, कुछ और भी है, ज़ुल्फ़ों रुखसार की जन्नत नहीं, कुछ और भी है, भूख और प्यास की मारी हुई इस दुनिया में, इश्क ही एक हकीकत नहीं, कुछ और भी है, तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको, मैंने तुमसे ही नहीं सबसे मोहब्बत की है, तुम अगर आँख चुराओ तो ये हक है तुमको। फुर्सत ना सही, सबसे उल्फत सही, मुझसे ही मोहब्बत ना सही, मैं तुम्हारी हूँ यही, मेरे लिए क्या कम है, तुम मेरे हो के रहो ये मेरी किस्मत ना सही, और भी दिल को जलाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तुम्हें
वाकई कितनी सादगी के साथ अपनी बात कह डाली कि तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात कुछ और है, मैंने तो मोहब्बत की है। वाकई जो इंसान दिल से मोहब्बत करता है बेशक बेशक वो इंसान उसको भुला डाले लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा जिंदा रहती है। सुनवाते हैं गिरगांव महाराष्ट्र से गजनन नादरे, मारुतराव पांचाल, पांडुरंग सांवले, दत्तराव कराले और रेशमा जी सोन टके। चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद की बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल। झोंका हूँ आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताज महल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूँ टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। एक हमारे साथी हैं, बहुत ही प्यारे साथी हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत फरेब हमने मोहब्बत में खाए हैं, बहुत फरेब हमने मोहब्बत में खाए हैं, दागे जिगर फिर भी सीने से छिपाए हैं, वक्त का मरहम भी उन्हें भर नहीं सकता, वक्त का मरहम भी उन्हें भर नहीं सकता जो जख्म हमने महबूब से खाए हैं। क्या करें, गजलें होती ही ऐसी हैं, शेर व शायरी वाह एक से एक खूबसूरत गजलों के हिसाब से ही बनाई जाती है और बहुत मेहनत लगती है इन सभी कार्यों में। हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं, वो हैं उमरखेड़ महाराष्ट्र से प्रवीण पाटिल कलाने, पांडुरंग कलाने, विक्रम राजेश, गायत्री कलाने और संजना कलाने। चलिए एक बेहतरीन खूबसूरत गजल के साथ। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई, मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई, मुझे लिखने वाला लिखेगा क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़ेगा क्या, जहां मेरा नाम लिखा गया वहां रोशनाई उलट गई। प्यार हमने
जिसे जिंदगी में किया प्यार हम तो चलिए बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल की ओर। वो कहते हैं कि मुझे नींद ना आए तमाम रात, मुझे नींद ना आए तमाम रात, ऐसे में तुम्हारी याद आए या सताए, ऐसे में तुम्हारी याद सताए तमाम रात, साखी भी आए आए सब मगर आना था जिनको वही नहीं आए तमाम रात। तो चलिए सुनवाते हैं डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से शेख हबीब, शेख अल्तमश, शेख छोटू भाई, साजन बेगम, शेख फारूक, शेख वसीम, शेख इरफान, जीनत शेख, फैजान शेख और फरहान शेख। तो सुनवाते हैं इनकी पसंद की सुंदर खूबसूरत गजल। आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले, कल तेरा शहर मुझे छोड़ के जाना होगा, आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। बहुत ही गमगीन मोहब्बत की एक अजीब दास्तां। वफा की जंजीर से डर लगता है, कुछ अपने तकदीर से डर लगता है, मुझे कुछ नहीं करना है जिंदगी कि तेरी आजमाइश को तलाश। अब मैं भी देखूं क्या कहें इस मोहब्बत को, क्या नाम दें इस मोहब्बत को। अनसुलझी सी पहेली होती है मोहब्बत, जितना जानोगे उतनी गहराई में पहुँच जाओगे लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इस आरजू में हो गए चांदी किसी के बाल, अब के बरस शहर में वो लौट कर आएगा। तो बस सुनवाते हैं हमारे बहुत ही बढ़िया साथी, जी हाँ वो हैं हमारे सोहन जोशी, और वो सुनना चाहते हैं पंकज उदास साहब की बेहतरीन खूबसूरत गजल। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बबला यादव, सावन नायक और कुमारी अंकिता जोशी, बेबी वैदही जोशी और जगदलपुर छत्तीसगढ़ से पूनम नायडू। तो सुनवाते हैं सोहन जोशी और इनके परिवार की बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल,
एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। हो एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छू ले गोरी तू वो हीरा बन जाए। तू जिसको मिल जाए वो, जिसको मिल जाए वो हो जाए माला मान। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब गंगा। हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं, पहले गुल फिर गुल बदन फिर गुल बदाना हो गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए। पहले दिल फिर दिल रुबा फिर दिल के मेहमा हो गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए। मिट जाते हैं जब इंसान प्यार से एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस सुंदर खूबसूरत गजल को सुनना चाहते हैं गौतम राय बोले, सौभाग्यवती कल्पना राय बोले, अक्षय राय बोले, सौभाग्यवती कविता राय बोले, कुमारी अनुष्का जवड़ी तहसील अंजनगांव सुरजी जिला अमरावती से। तो सुनते हैं, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। जी हाँ, मेहंदी हसन साहब की बहुत ही प्यारी खूबसूरत गजल। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गई। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन बढ़ती गई
बदल बढ़ती गई इस हुस्न की राना दिन ब दिन बढ़ती गई दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की राना पहले गुल फिर गुल बदल पहले गुल फिर गुल बदल फिर गुल बदलना हो गए रफ्तार रफ्तार मेरी हस्ती का सामान पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए रफ्तार तो चलिए बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल की ओर। वो कह रहे हैं, तुम यूं खुले नयन ख्वाब देखा ना करो, तुम यूं खुले नयन ख्वाब देखा ना करो, क्यों जगाते हो रातों को तन्हाइयों में, कभी आंखें बंद करके दिल से हमें पुकार कर देखो, कभी आंखें बंद कर हमें दिल से पुकार कर देखो, तन्हाइयों में अपने साथ ही पाओगे हमें। जी हाँ, हम जहाँ हैं वहाँ हैं, जब एहसास करके देखोगे तो बस हम ही हम नजर आएंगे आपके ख्यालों में, ख्वाबों में, दिल में, दिल के अरमानों में। तो चलिए सुनवाते हैं बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल, और इस सुंदर गजल को सुनना चाहते हैं वो हैं एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, किरण खुराना और लव्या खुराना। जी हाँ, वो कहते हैं चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशुकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है बेबाक हो जाना मेरा
से मिलते ही वो कुछ बेबाक हो जाना मेरा और तेरा दांतों में हो उंगली दबाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। ऐसे ही एक और सुंदर खूबसूरत गजल लेकर आ रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे साथी हैं और वो हैं सोलवी हवारी साहब आदापुर पूर्वी चंपारण बिहार बॉर्डर से। उनके साथ साथी हैं मोहम्मद असलम लाहौर पाकिस्तान से, उमा सिंह महेश्वरी देवी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। कह रहे हैं कि टूटा हुआ कोई मजार हो जैसे, टूटा हुआ कोई मजार हो जैसे, तुझसे कई अरसे से कोई बीमार हो जैसे, झूठी हंसी तेरे होठों पर आ जाती है जहन में तेरे लटकी हुई तलवार के जैसे, दामन पाक लव खामोश तेरी बारिश में भीगा हुआ मिट्टी का गुबार हो जैसे, खौफ है तुझे फिर से तन्हा होने का हमें इश्क के नाम पर समुद्र खा रहा हो जैसे, एक टक तेरी आंखों में ताक कर देखा उदासियों से भरा कोई संसार हो जैसे, शामिल हो जा मुझसे बस मेरी तरह एक तू ही मेरा जमींदार हो जैसे, अधूरा अधूरा तुमसे कुछ छूटा हुआ है, अधूरा अधूरा तुमसे कुछ छूटा हुआ है, टूटी हुई कुछ दरो दीवार हो जैसे। राग बागेश्री पर आधारित खूबसूरत गजल चमन में रंगे बहार उतरा। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, तो मैंने देखा। चमन में रंगे बहार उतरा तो मैंने देखा, तो मैंने देखा। नजर से दिल का गुबार उतरा तो मैंने देखा, तो मैंने देखा। चमन में रंगे बात तो सही है आपने देखा, लेकिन तेरे इश्क का बुखार है मुझको, तेरे इश्क का बुखार है मुझको और हर चीज खाने को मनाई है। इश्क एक इश्क के हकीम ने सिर्फ तेरे चमन की मौसमी बताई है। जी हाँ, आसमां की बुसरत मैं नीम शब, आसमां की बुसरत को देखता था, वो कहते हैं कि तेरे नींद कश को कोई मेरे दिल से, तेरे नींद कश को कोई मेरे दिल से पूछे ये कसक कहाँ से होती जो जिगर के पार हो। तो ऐसे ही खूबसूरत गीत को लेकर आ रहे हैं साथी, वो हैं हमारे बहुत ही प्यारे साथी। वो कह रहे हैं मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें, तेरी गर्म सांसें मुझे रात दिन यूं तड़पा रही है, मुझे छू रही है। जी हाँ, ये कह रहे हैं वो हैं हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे अशोक कुमार केशवानी साहब। तो सुनते हैं इनकी पसंद की बहुत ही खूबसूरत गजल। तेरी गर्म सांसें मेरे रात और दिन महकने लगे हैं, thank you.
लबों से अगर तुम बुला ना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो। दोस्तों बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गजल की ओर, और इस गजल के बहुत सारी फरमाइशें हमारे पास, और वो हैं हमारे ग्राम वडगांव डिगी तहसील नांदुरा से, नांदुरा बुलढाणा महाराष्ट्र से, वासुदेव बोदबड़े, सौभाग्यवती माधुरी बोदबड़े, आकाश कुमार बोदबड़े, और साथ में संत गाड़गेनगर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से, अनिता गाथोड़े, रमेश गाथोड़े, चिरंजीवी लोकेश कुमार, जवरडी जिला अमरावती से गुणवंत कडू, सविता कडू, रत्नदीप कडू और निखिल कडू, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तैडे, वसंत राव भोजने, ढोपर गांव खाम गांव से योगेश वाशिमकर, सरिता वाशिमकर और सानवी, और साथ में हैं अंजन गांव रोड पणस से गोपाल बोचे, पीयूष संकेत बोचे, मंगला बोचे, अड़गांव खाड़े से हैं किशोर धुले, वंदना धुले, आनंद आशीष और शिवानी धुले, तिरुपति नगर नांदूरा महाराष्ट्र से हैं ऋषिकेश अनिकेत, उषा वसानी और सागर कटक, डिंडोरी नासिक से हैं विशाल गवली, सोनाली गवली और समर्पण गवली, इन सब की एक ही गाने के लिए फरमाइश थी, और सुनवाते हैं बहुत ही सुंदर खूबसूरत ये गज़ल है, और इतने सारे साथियों ने तभी तो ये खूबसूरत गज़ल भेजी है आप सबके नज़र करते हुए, तो चलिए सुनवाते हैं इनकी पसंद की सुंदर खूबसूरत गज़ल। महफिल में बार बार बस नज़र चली गई और मिल भी गई, तो सुनवाते हैं सुंदर सी प्यारी सी खूबसूरत सी गज़ल, बहुत ही खूबसूरत ये गज़ल है गुलाम अली साहब की, बहुत ही सुंदर आवाज़ में। चंद कलियां निशात की चुनकर, वाह, चंद कलियां निशात की चुनकर, निशात की चुनकर मुद्दतों में व्यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, नजर नजर से मिलाओ बाहर के दिन है, वाह क्या बात है, नजर नजर से मिलाओ बाहर के दिन है, बाहर को भूल भी जाओ
बाहर के दिन है। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। नजर गई महफिल में बार बार किसी पर नजर गई, महफिल में बार बार किसी पर नजर गई। जी हाँ, न जाने कितनी बार महफिल में नजर चली गई है। बहुत ही शानदार, खूबसूरत और अलग ही अनोखे अंदाज में ये अपनी गजलें या कवालियाँ गाते हैं और गीत भी बहुत शानदार गाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और सुंदर खूबसूरत गीत की ओर, गजल की ओर, सॉरी माफ कीजिएगा। वो आगे हैं हमारे बहुत ही मित्र मंडल की टोली है, हमारे जो रेडियो धड़कन, हमारा जो रेडियो है, सबका रेडियो है, लेकिन उस रेडियो में एक हमारे बहुत सारे साथियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है मित्र मंडल का। जी हाँ, क्योंकि सब अपने धीरे धीरे बना रहे हैं, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि एक ही गीत या गज़ल के लिए सब लोग शामिल हो जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने, एक नहीं बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने मिलकर बनाया है अपना धड़कन ग्रुप। तो बस नाम लेते हैं उन सभी साथियों का जो हमारे यानी कि रेडियो धड़कन से जुड़े हैं। एक हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हैं, उनमें से ही कुछ साथियों ने ये ग्रुप बनाया है। तो सुनवाते हैं इनकी पसंद की खूबसूरत गज़ल, और गज़ल के साथ साथ जो आज की जो विशेष जो फरमाइश है वो हैं श्री हुकम चंद कटारिया जी, और साथ में हैं धड़कन मित्र मंडली आदरणीय बड़ी बहन रीता गुप्ता जी, पंकज परमार जी, श्री हुकम चंद कटारिया जी, श्री प्रवीण श्रीमाली जी, कुलदीप गुप्ता जी, श्री लोकेंद्र वर्मा जी, आदरणीय रियाज अहमद आकाशवाणी लखनऊ से हैं, और श्री सतीश रघुवंशी जी और जयंती खसिया जी, समीर मंसूर जी, और सभी मित्रों की मिलीजुली ये फरमाइश है एक गीत के लिए। जी हाँ, सभी साथियों की, जो भी हमारे श्रोता साथी हैं उन सब की मिलीजुली ये फरमाइश है। तो चलिए सुनवाते हैं इन मित्र मंडली की यानी कि सभी श्रोता साथियों की ये खूबसूरत गजल। साथियों, बहुत ही शानदार खूबसूरत ये गज़ल है, और ये इस कार्यक्रम की अंतिम नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड लास्ट गज़ल है। सेक्टर 5 कुड़ी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गरबी, और साथ में हैं
हमारे एक और साथी राधे श्याम, गांव हांडीखेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, नंदिनी शर्मा और रोहित शर्मा, जी हाँ, ये दोनों ही हमारे साथी हैं। इस गज़ल को मैं इनको ही पेश कर रहा हूँ क्योंकि इसी खूबसूरत गज़ल की ये फरमाइश थी। और इसके साथ साथ एक और साथी हैं हमारे, रामदेव पटेल, नई सी गज़ल है और जो अनसुनी सी है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। और आप हैं कुमार रामदेव पटेल, सुनीता देवी पटेल, कुमार अमित पटेल, पुष्पा देवी पटेल, आकाश और वाणी, साथ ही पूरा पटेल परिवार। लाला टोली रोड डुमराव से शैलेंद्र कुमार चौधरी, नीता चौधरी, विकास कुमार, नेहा कुमारी, पिंटू यादव, मुन्ना खरवार, पंकज यादव, एस के दीवाना और साथ में रेडियो धड़कन परिवार। मेहरौली दिल्ली से हैं शंकर रावत और सुनीता रावत। शाहजी, जी हाँ, शाहजी के नाम भी ले लेते हैं हम। आप हैं उत्तम जमधाड़े, आत्माराम आसोले, गजनन परिहार और हनुमान बोटखे, खेड़ावाड़ी, हिंगोली, महाराष्ट्र से। तो सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम गजल। चले री गोरी थम थम के, पायल में गेत है चम चम के, दो लाख चले री गोरी थम थम के, पायल में गेत है चम चम के। तो है पगली कहेंगे लोग सखी। तो ये थी आज के कार्यक्रम यानी कि महफिले गजल की अंतिम प्रस्तुति। तो बस यही कहेंगे, सौ खुलूस बातों में, सौ खुलूस बातों में, सब करम ख्यालों में, बस जरा वफा, बस जरा वफा कम है शहर की गजलों में। गम यहाँ आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम मुझको छुपा लो ऐ दोस्त गुनाहों की तरह, और हमसे भागा ना करो यूं दूर, हमसे यूं भागा ना करो दूर रजालों की तरह, और हमने चाह है तुझे ऐ दोस्त चाहने वालों की तरह। कार्यक्रम महफिल गजल अब समाप्त होता है। मुझे यानी अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे ललित कुमार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।